हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टीचर्स ऑल, अब आपके लिए कैलकुलेशन और ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अबेकस के साथ साथ अबेकस को हमने फिंगर पे यूज़ करना सीख लिया था। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों को सही में वो चीज़ें याद है या भूल गए हैं। आपने सारे कम्प्लीमेंट, सारे चीज़ें आपने पढ़ लिखा था, सब हमने आपको डाल दिया था अबेकस के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमने कमेंट इतने दिन में पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ये लगा कि भाई इसको डालना चाहिए हमें हमेशा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा फास्ट होगी, एक गहरे रिसर्च और एक अच्छे तरीके से आपके सामने आया है। तो मैं वन बाय वन ये देखूंगा कि भाई आपको याद है नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी पहले सिंगल डिजिट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे बच्चे जो अब मेरे ख्याल से 2-3 साल तो एक्सटेंड हो गए होंगे, जो बच्चे मान लो बहुत बच्चे थे वो अब बड़े हो गए होंगे, तो आप जो पेरेंट्स आप करवा रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, तो देखिए और उसका टेस्ट आप दिलवाते रहेंगे, ताकि क्योंकि मैं बीच में एक कंपटीशन आपके आप लोगों के बीच मैंने रखा था, जो कि IAC के नाम से था, इंटरनेशनल अबेकस कंपटीशंस, ठीक है। उसमें मैंने देखा था कि कुछ बच्चे 2-4-5 बच्चे अच्छा किया, उसमें एक बच्चे बहुत अच्छा करा था, उनकी टाइम भी बहुत कम उसने लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ कि अबेकस जो बच्चे कर रहे थे उन्होंने अपना स्पीड इतना डाउन क्यों दिखाया? इसके पीछे का लॉजिक ये था कि वो सोचने में ही लगे और उसने क्वेश्चंस को कर नहीं पाया, करा भी तो कुछ गलत करा। तो मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा कि आप उन चीज़ों को माइंड में कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन क्या है, मैंने ये चीज़ें रीड करा है कि जो बच्चे अबेकस करें, अबेकस से चलिए आपका ब्रेन डेवलप हो गया, आपका माइंड डेवलप हो गया, आपके थिंकिंग पावर, ये सारे चीज़ें इंप्रूव हो जाते हैं। मैथ की स्पीड आपकी इंप्रूव नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है। ये बात सच है, क्योंकि आप जैसे ही बड़े होते हैं आपका जो मैथमेटिक्स है वो अलग ट्रैक पे चला जाता है, क्योंकि आपके स्कूल में कुछ और हो रहा होता है, आप पास में कुछ और पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपको आती है कन्फ्यूजन, आप उसमें अबेकस लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें अबेकस नहीं लग पाता। आप ये सोचते हो कि मैंने अबेकस पढ़ा और उससे हमारा मैथ जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं हैं। आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, ये पावर देती है आपको ब्रेन को। लेकिन अब हम आपको उसके साथ ही बताएंगे कि मेंटली आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे आप प्लस कर लेंगे माइंड के अंदर, क्योंकि आगे चल के सारे कंपटिटिव हो गए हैं। 10th के बाद ही, 11th 12th के बाद फिर कंपटीशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर कंपटीशन, तब जाके लाइफ एक सेट होती है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर आप अपने कैलकुलेशन को, आप अपने फंडामेंटल लेवल वाले कैलकुलेशन को जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर लेते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके सक्सेस से। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे वो आप छोटे से छोटे एग्जाम SSC ले लो, रेलवे ले लो, बैंकिंग ले लो, IAS ले लो, सब में वही बेसिक कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, आप उसको फोड़ सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं। और आपका एक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अदर पार्ट्स आप इम्प्रूव करके उस कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो ये हम छोटे से क्वेश्चन आप भी कीजिए मेरे साथ, जो हम लोग पहले कर रहे थे, माइंड में भी करेंगे और साथ में भी करेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास जो, जैसे मान के चलो आप 1 डिजिट एंड 10 डिजिट दोनों कर रखे हैं आपने, ठीक है। अब दोबारा हम नहीं दिखाएंगे, पुराना ही आपके पास वीडियो होगा, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड को बात करते हैं, राइट हैंड हमारा 1 प्लस होता था, तो ध्यान रखो 2 है तो हम कहते थे 2 है प्लस 2 है प्लस 5 है, क्लियर हो गई। फिर -2 -2, व्हाट इज आंसर? दिस वन 5 5। अगेन मैं करके दिखाता हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 2। मैं देख नहीं रहा हूँ लेकिन हमारी फिंगर हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आप साथ में जो बोलते हो, आप जो लिसनिंग कर रहे हो, उसके साथ आपका फिंगर पे आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर जो आता है वो 5 आता है, ठीक है। अगर इसी को हम माइंड में कहते हैं, तो माइंड में 2 प्लस 2 प्लस 5, मतलब हमारी फिंगर टोटल 9, फिर -2 -2 एग्जैक्ट करने के बाद भी हमारा 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। आप इसको थिंक करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 5 9 -2 7 -2 5, दिस टाइप, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस से, 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी आपके क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, 3 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 1, सो आंसर इज 7। फिर 4, ठीक है ना,
4 + 5 - 2 - 1 व्हाट इज द आंसर 6 इज द आंसर 8 टोटल 8 हो गया 8 - 3 तो -3 - 5 ठीक है ना +2 तो दिस इज नॉट 2 आंसर ठीक है। और आगे आप एक तो क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन आप करेंगे उस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो ठीक है ना। नेक्स्ट वन है कि 2 मान के चलिए 2 + 2 + 5 - 1 - 2 6 आंसर। फिर है 7 + 2 + 2 अब यहाँ पे आता है टेंथ डिजिट का यूज, देखो यहाँ पे 7 + 2 + 2 करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ से 10 अप हो जाता है, 10 अप और 8 डाउन हो जाता था ठीक है। अब फिर +5 व्हाट इज द आंसर 10 और 16 आ गया आंसर ठीक है ना। ये दो डिजिट हमने इसमें डाल दिया है, आप इसको आप अपने माइंड से करेंगे तो 7 + 2 - 9 + 2 - 11 + 5 - 16 ठीक है। सो आप माइंड लेवल से भी कर सकते हो क्वेश्चन को और आप फिंगर पर भी कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर इस चीज़ को करते हो तो टोटली आपको माइंड का यूज़ करना है, और आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको वैदिक मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट मिला के आपका जो मैथ है आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। सिर्फ साथ में आप हमें कैलकुलेशन करेंगे जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह की कैलकुलेशंस और फिर उनका यूज़ आगे चल के जो होने वाले हैं उस पर हम करेंगे, देखेंगे कि एक दिन हमारा स्पीड काफ़ी होने वाला है और वो हम अपने एकेडमिक मैथमेटिक्स में भी यूज़ करके आपको बताएंगे कि एकेडमिक मैथमेटिक्स में हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे ठीक है। चाहे आप किसी भी लेवल के भी बताएंगे कि प्लस कैसे देखो पूछा गया है क्वेश्चन में कहाँ पे हम इसको यूज़ करें ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह के क्वेश्चन आप अगर रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कर लीजिए, आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आप डिमांड कर सकते हैं ठीक है ना। ओके थैंक यू।